अज़ीज़ान-ए-मन अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बग़ैर तैमूर आपकी ख़िदमत में हाजिर है। आज से हम एक नए दर्स का आगाज़ करेंगे, यानी कि शिकवा नज़्म के बाद अब जवाब शिकवा नज़्म का मुतालिया जारी रखा जाएगा। ये तवील नज़्म तकरीबन 36 बंदों पर मुश्तमिल है और हमें उम्मीद है कि 3 या 4 हिस्सों में इसका मुतालिया हम मुकम्मल कर पाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं, कुछ मज़ीद पस मंज़र बयान करना चाहता हूँ इस नज़्म का। 1911 में अल्लामा ने शिकवा मोची गेट लाहौर में जब नज़्म पढ़ी तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान कौम जाग उठी और इसका बहुत चर्चा हुआ और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ अदबी रिसालों और मुजल्लों में इस नज़्म ने बड़ी नुमाया जगह पाई। लेकिन चंद दीनी हलके ऐसे भी थे जिन्होंने इस नज़्म के मुंदरजात पर बहुत एतराज़ किया और अल्लामा साहब को इसका बहुत रंज हुआ। बहरहाल उन्होंने इस चीज़ को सामने रखते हुए, इन एतराज़ात को मद्देनज़र रखते हुए, फिर 1913 में जवाब शिकवा नज़्म तहरीर की और वहीं पर मोची गेट में उसे पेश किया गया। इस नज़्म के पहले बंद में ही कुछ ऐसे दकीक हकायक बयान हुए हैं जैसे पता चलता है कि अल्लामा इकबाल ने कितने गौर व फिक्र के बाद ये नज़्म लिखी, जो कि लोगों में हर दिल अजीज़ और मकबूल हुई। तो पहले बंद की तरफ चलते हैं। पहला बंद दानिश जो याने अज़ीज़ ये कहता है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। बस यहीं पे थोड़ा सा तवक्कुफ कर लेते हैं, क्योंकि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, देखने में तो बहुत सादा सा एक मिसरा लगता है, लेकिन इसके पीछे हकीमाना और सूफियाना कुछ हकायक हैं जिनके बात में बारे में मैं बात करना ज़रूरी समझता हूँ। यह आमतौर पे हम बात सुनते हैं कि दिल से जो बात निकले, जो फरियाद अल्लाह ताला से दिल जमी से की जाए और अपने कल्ब की गहराइयों से की जाए तो अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। दरअसल क़ुरान के मुताबिक ये साबित होता है 3 मुख्तलिफ आयात के तहत कि अल्लाह ताला और इंसान का एक रूहानी ताल्लुक अज़ल से कायम है। इनकी शहादत मैं आपको इस तरह पेश करूँगा कि सूरह अल सजदा आयत नंबर 9 की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराता हूँ, जिसमें एक आयत का टुकड़ा है, वन्नफ़ा फ़ीहे मिन रूहिही, जिसके मानी हैं कि खुदा ने इंसान के वजूद में अपनी रूह फूंकी। मैंने मज़ीद तहकीक की और मैं 3 बल्कि 4 अंग्रेज़ी तराजम जो कुरान के हुए हुए हैं उनकी तरफ तवज्जो की मैंने, तो हर जगह से मुझे इस बात की शहादत मिली। मिसाल पेश करता हूँ, अल्लामा अब्दुल्ला यूसुफ़ अली साहब वो फरमाते हैं, बट ही फैशन्ड हिम, यानी कि उसने, खुदा ताला ने फैशन्ड हिम, इंसान को बनाया, इन ड्यू प्रोपोर्शन एंड ब्रीथ्स इनटू हिम समथिंग ऑफ हिज स्पिरिट, यानी कि अपनी रूह का एक अंसर, एक छोटा सा हिस्सा अल्लाह ताला ने इंसान को बनाने के बाद उसके वजूद में फूंका। मामडूक पिकथॉल एक बहुत बड़े ईसाई स्कॉलर थे, जो कि मोहम्मद मामडूक पिकथॉल के नाम से बाद में जाने गए मुसलमान होने के बाद, उन्होंने द ग्लोरियस कुरान में इसका तर्जुमा तकरीबन ऐसे ही किया है और कहा कि देन ही फैशन हिम एंड ब्रीथ्ड इनटू हिम ऑफ हिज स्पिरिट। मोहम्मद असद, जो एक ज्यूइश घराने से ताल्लुक़ रखते थे,
बाद में मुसलमान हुए, अपना नाम मोहम्मद असद रखा। पहला नाम उनका था लियोपोल्ड वाइस। उन्होंने अपनी किताब द मैसेज ऑफ द कुरान में ये लिखा है, एंड देन ही फॉर्म्स हिम इन अकॉर्डेंस विद व्हाट ही इज मेंट टू बी एंड ब्रीद्स इनटू हिम ऑफ हिज स्पिरिट। यहाँ पर भी वही मानी सामने आते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर अपनी रूह फूंकी। और नज़दीक जहाँ से मैं ये पैगाम रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, उसके नज़दीक ही गुलबर्ग में एक इदारा है तुलू इस्लाम। उनकी किताब एक्सपोजिशंस ऑफ द कुरान में मिलती जुलती बात लिखी गई है, लेकिन कदरे मुख्तलिफ पैराए में। वो कहते हैं, दैट इज़ गॉड इन्फ्यूज़ इन टू मैन ए स्पार्क ऑफ हिज डिवाइन एनर्जी। तो आपने देखा कि अल्लाह ताला और इंसान का एक कल्बी, एक रूहानी ताल्लुक हमेशा से, अज़ल से कायम है। और अल्लामा इकबाल एक सूफ़ी मनुष्य और एक तसव्वुफ़ के मानने वाले और तसव्वुफ़ की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने वाले बुज़ुर्ग थे, जिनके यहाँ पर इबादात सुबह का ही बहुत उनकी एक रूटीन का हिस्सा था, ज़िंदगी का हिस्सा था। हर सुबह कुरान करीम की तलावत और बहुत जल्दी तहज्जुद के वक्त उठना और अल्लाह ताला को याद करना। तो उनको इस बात का बिल्कुल इदराक था, बल्कि यकीन था, यकीन कामिल था कि जो दिल से बात निकलती है वो अल्लाह ताला के यहाँ पर बिल्कुल मकबूल होती है। और दिल से निकलने वाली बात इश्क इलाही में डूबी होती है, समीमियत कल्ब से वो वारिद होती है। तो उन्होंने इसी को अपना जवाब शिकवा का पहला मिसरा बनाया। जैसे मैंने आपको सुनाया कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। कुत्सुल असल है रिफात पे नज़र रखती है, खाक से उठती है गर्दों पे गुज़र रखती है। इश्क था फितना गरो सरकशो चालाक मेरा, आसमां चीर गया नालाए बेबाक मेरा। यहाँ पे एक दो मुश्किल अल्फाज हैं, मैं बता दूँ उनके तराजम। कुत्सुल असल जो चीज़ इंतहाई मुबारक और पाक व मुकद्दस हो उसे कुद्सियुल असल कहा जाता है। रिफत बुलंदी, गर्दूँ आसमान और नाला बैबाक इससे शिद्दत से की गई और दिल से निकलने वाली आहोजारी को नाला बेबाक कहा जाएगा। तो मेरे दोस्तों, इसमें अल्लामा ने यही कहा है कि मेरी जो बात दिल से मैंने की थी शिकवा में, वो चूँकि मेरे समीमियत से कल्ब से निकली थी इसलिए उसने असर दिखाया। उसके पास उड़ने की कोई ना मशीन थी ना कोई पर थे, लेकिन ताकत परवाज फिर भी थी। और चूँकि कुद्सुल असल थी, बिल्कुल मुकद्दस थी, पाक थी, इसलिए बुलंदी की तरफ रुख था, बुलंदी की तरफ परवाज किया। ऐसी दुआ हमेशा खाक से उठती है, यानी हम खाक के बासी हैं, हम खाक के मकीन हैं, यहाँ से उठती है और आसमान की तरफ सफ़र करती है, गर्दों पे गुजर कर रखती है। उन्होंने कहा कि इश्क था फितना गरो सरकश हो चालाक मेरा, मेरा इश्क जो है वो बड़ा बेबाक था और उसमें यकीनन एक हंगामा खेज था, सरकश था, बागी था और चालाक भी था। उसे इल्म था कि किन ज़राए से, किन रस्तों से अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना है। आसमां चीर गया नाला बेबाक मेरा, इस वजह से मेरा नाला बेबाक, मेरी आहोजारी चीरती हुई, आसमान को चीरती हुई अल्लाह ताला की करीब पहुंच गई। दूसरा बंद अर्ज़ करता हूँ। जब अल्लामा ने आगे मंजरनामा एक पेश किया है कि जैसे ही मेरी आवाज़ अर्श बरी या अल्लाह ताला के कुर्ब में पहुंची,
तो वहाँ पर चेमे गोइयाँ और एक मुबाहिसा शुरू हो गया जो आसमान के इर्द गिर्द के मकीन थे। कहने लगे, पीर गर्दूं ने कहा, सुन के कहीं है कोई। बोले, सैयारे सरे अरशे बरी है कोई, चांद कहता था नहीं अहले ज़मी है कोई, कहकशां कहती थी पोशीदा यही है कोई। कुछ जो समझा मेरे शिकवे को तो रिजवां समझा, मुझे जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। पीरे गर्दूं बूढ़ा आसमान, या हो सकता है कि कोई ऐसा फरिश्ता भी हो जो जिसे पीरे गर्दूं कहा जा सके। उसने सुन के कहा कि भाई यहाँ पर कोई है। सैयारे जो चारों तरफ आसमान के गर्दिश कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अरशे बरी के करीब कोई है, चांद भी पीछे नहीं रहा क्योंकि वह अहले ज़मीन से सबसे ज़्यादा नज़दीक है। उसने कहा, मैं जानता हूँ ये अहले ज़मीन है कोई। कहकशां बीबी बोली कि मैंने बहुत से सितारों को पनाह दे रखी है, सैयारों को सितारों को, ये पोशीदा यहीं है कोई। कुछ जो समझा मेरे शिकवे को तो रिजवान समझा। तो रिजवान जो दारोगा जन्नत था हमेशा से, वो समझा, मुझे जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा, क्योंकि उसने आदम को जन्नत से निकलते हुए देखा था। इसलिए वो सबसे बड़ा गवाह था कि ये और नहीं सिर्फ आदम ही हो सकता है जिसको यहाँ तक रसाई हुई हो। तो आपने देखा कि यहाँ पर किस तरीके से एक हंगामा सा बरपा हो गया इस नालाए बेबाक से जो अलामा ने शिकवा के ज़रिए अल्लाह तक पहुँचाया था। और उनके आह फ़ुगान में इस कदर तासीर थी कि इन तमाम कायनात के कुर्रों में, सैयारों में, सितारों में, चांद में और अरश बरी के जो इर्द गिर्द मुकर्रर फरिश्ते थे और रिजवान था जन्नत का मुहाफिज, वो तमाम तर में आपस में एक बहस और मुबाहसा शुरू हो गया। तो ये था हमारा दूसरा बंद, अब हम आगे बढ़ेंगे। जी, फिर चलिए देखते हैं कि अलामा ने तीसरे बंद में क्या फरमाया था। कहा थी, फरिश्तों को भी हैरत कि यह आवाज़ है क्या, अर्श वालों पर भी खुलता नहीं ये राज है क्या, तासरे अर्श भी इंसान की तगो ताज है क्या, आ गई खाक की चुटकी को भी परवाज है क्या, गाफिल आदाब से सकाने ज़मीं कैसे हैं, शोख व गुस्ताख ये पस्ती के मकीं कैसे हैं। मेरे दोस्तों, तगोताज भाग दौड़ कोशिश के मानी, खाक की चुटकी, इंसान खाक से बना है, तो कायनात के हवाले से तो हम चुटकी से भी छोटे हैं जो मिट्टी से तख्लीक हुए, थोड़ी सी मिट्टी से। सकान, सकान का मतलब साकिन, यानी कि किसी जगह के रहने वाले। पस्ती ज़मीन से मुराद है और मकीं रहने वाले बाशिंदे। तो ये मुबाहसा चल रहा था, चेमे गोइयाँ चल रही थीं, फरिश्तों को भी हैरत थी कि ये आवाज़ कहाँ से आई है, अर्श वालों पे भी अभी तक ये राज नहीं खुला था कि ये कौन शख्स है, ये कौन सी मखलूक है जिसकी आवाज़ यहाँ तक पहुँची है। किसी ने सवाल किया, क्या अर्श तक इंसान की तगोताज, उसकी पहुँच यहाँ तक है, ये तो मुमकिन नहीं है। आ गई खाक की चुटकी को भी परवाज है क्या, क्या ऐसा मुमकिन है कि उस खाक की छोटी सी चुटकी को, मिट्टी की छोटी सी चुटकी को परवाज यहाँ तक हासिल हो गई हो। गाफिल आदाब से सकान ज़मीन कैसे हैं, और अगर वाकई ये इंसान हैं तो ज़मीन के रहने वाले आदाब भूल चुके हैं, उन्हें कतन गफलत है उनकी कि वो आदाब मलहूज़ ख़ातिर उन्होंने नहीं रखे और यहाँ तक आने की जुरत कर ली। शोख व गुस्ताख ये पस्ती के मकीं कैसे हैं, और इनकी शोखी और गुस्ताखी देखो, ये पस्त
लोग जो ज़मीन हम आसमान से किस कदर पस्त है और ये पस्ती के रहने वाले उन्होंने इस कदर शोखी और गुस्ताखी का मुजाहरा किया है। बहरहाल ये सिलसिला चलता चला जा रहा था और तीसरा बंद इसी की अक्कासी इसने की है। अजीज़ान मन, चौथा बंद पेश खिदमत है और मंजर जैसे एक चल रहा है वही ड्रामाई सूरत उसकी मकालमे की तबसरों की जारी है। इस कदर शौक़ है कि अल्लाह से भी बरहम है, था जो मस्जूद मलायक ये वही आदम है। आलम कैफ है, दाना रमूज कम है, हाँ मगर इज्ज के असरार से नामहरम है। नाज है ताकत गुफ्तार पे इंसानों को, बात करने का सलीका नहीं नादानों को। किसी ने यह तबसरा किया, इस कदर शौक, कितना शौक़ है कि अल्लाह से भी नाराज़गी का इजहार कर रहा है। ये वही इंसान है जिसे फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म पर सजदा किया था, आज उसकी ये हिम्मत हो गई है। आलम कैफ है, फलसफा और मंतक तो जानता है, दानाए रमूज कम है, लेकिन हमारे यहाँ के रमूज से वाकिफ नहीं है। उसकी दानाई यहाँ तक नहीं पहुँची कि रमूज को समझता। एक कहने लगा, हाँ हाँ दुरुस्त है, मगर इनकसारी और इज्ज के भेदों से बिल्कुल ही नामहरम है, बिल्कुल ही उसको इनकी वाकफियत नहीं है कि इज्ज व इनकसारी खुदा ताला के यहाँ, खुदा ताला के हजूर क्या मानी रखती है। नाज है ताकत गुफ्तार पे इंसानों को, बात करने का सलीका नहीं नादानों को। वैसे तो इंसान को अल्लाह ताला ने जो गुफ्तार बात करने की ताकत अता फरमाई ये वदियत खुदा की है, लेकिन इस पर नाज और फख्र करता है ये इंसान। लेकिन अफसोस है कि बात करने का सलीका अभी तक इन बेवकूफ़ों को, इन नादानों को नहीं आया। ये नहीं जानते कि अल्लाह ताला के दरबार में, उसके हुजूर में किस अंदाज से बात की जाती है, कैसे अपने अर्ज़ और अपनी शिकायत पेश की जाती है। ये था जनाब चौथा बंद। किसी ने यह भी कहा कि अगर इस, ये बात बिल्कुल अजहर मिन शम्स है कि अगर इस शख्स को सलीका होता कि खुदा के से फरियाद करने का, तो ये इतने गुस्ताखाना अंदाज में बात और शिकवा कभी ना करता। तो ये सिलसिला इसी तरह कुछ देर चलता रहा, जो कि चौथे बंद में अलामा ने इसकी अक्स बंदी की है। अजीज़ान मन, पांचवा बंद, इसमें अभी ड्रामा एक नया रुख इख्तियार कर रहा है। आवाज़ आई, गमंगेज़ है अफसाना तेरा, अश्क बेताब से लबरेज है पैमाना तेरा। ये अर्श से आवाज़ आ रही है। आसमां गिर हुआ नाराए मस्ताना तेरा, किस कदर शोख जबां है दिले दीवाना तेरा। शुक्र शिकवे को किया हुस्न अदा से तूने, हम सुखन कर दिया बंदों को खुदा से तूने। एकदम आवाज़ आती है और गालिबन अल्लाह का कोई नुमाइंदा है या खुदा ताला ने खुद ही ये ज़हमत फरमाई। आई आवाज़, गामंगेज़ है अफसाना तेरा, हाँ भाई बात दुरुस्त है, तुम्हारे अफसाने में, तुम्हारी दास्तान में यकीनन गम की कैफियत तो है, और तेरे आंसू, तेरे बेकरार आंसू तेरे पैमाने को भर चुके हैं, यानी तेरी आँखें जो हैं वो तेरे बेताब और बेकरार आंसुओं से पूरी तरह लबरेज हैं। आसमां गिर हुआ नारा मस्ताना तेरा, और इत्मीनान रखो आसमान तक पहुंच गया है तुम्हारा नारा ए मस्ताना, जो तुमने अपनी परवाह किए बगैर अल्लाह के हजूर पेश की है अपनी अर्जदाश्त। तो आसमान गिर तो वो हो चुकी है, उसे तवज्जो मिल चुकी है,
کس قدر شوخ زباں ہیں دل دیوانہ تیرا. اس میں کچھ تعریف کا عنصر بھی ہے اور کچھ تھوڑی سی گستاخی کی طرف اشارہ بھی ہے کہ کس قدر شوخ زباں ہیں, بڑی شوخ زبان ہے تمہاری, تمہارے دل دیوانہ نے تو بالکل ہی تمہیں بہت زیادہ شوخی کی طرف مائل کر دیا ہے. شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے, یہ مقام شکر ہے کہ تو نے شکوے کو ایک حسن ادا سے پیش کیا ہے, جس کی بدولت ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے, کہ بندے خدا سے ہم کلام ہونے لگے ہیں اسی وجہ سے کہ تم نے اپنے شکوے کو حسن ادا سے پیش کیا. تو میرے دوستو, امید ہے کہ پانچویں بند میں یہ جو ایک شروعات ہونے لگی ہے مکالمے کی, اللہ تعالیٰ کے حضور بندوں کی اور اللہ تعالیٰ کی خدا کی, اس سے کیا نتائج اور کیا مکالمہ ابھرتا ہے اس کو ہم چھٹے بند سے آگے دیکھیں گے. اللہ کی صدا آتی ہے تو وہ فرماتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں, تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں, جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں, کوئی قابل ہے تو ہم شان کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تو تم انسانوں پر مہربانی اور کرم کرنے کے لیے تیار اور آمادہ ہیں, لیکن تم میں کوئی سائل ہی نہیں, کوئی سچا سوال کرنے والا ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے, کسے دکھلائیں رستہ, رہروے منزل ہی نہیں, کوئی ایسا مسافر ہی نہیں جو منزل کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا ہو اور وہ ہماری مدد کا منتظر ہو. تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں, ہماری تربیت کا کیا شکوہ کرتے ہو, وہ تو موجود ہے, حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ تک مختلف مدارج میں, مختلف مراحل میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر آتے رہے, کتب الہی آتی رہیں, پیغام الہی آتا رہا اور قرآن پر منتج ہوا, حضرت محمد مصطفیٰ کی قیادت پر منتج ہوا, جس سے مسلمانوں کی قوم تیار ہوئی. تربیت تو موجود ہے, تربیت عام تو ہے, لیکن کوئی ایسا جوہر بھی تو ہو کہ وہ اس اصلاح کو اور اس تربیت سے فائدہ اٹھا کر اپنی اصلاح کر سکے اور اپنی شخصیت کی تکمیل کر سکے. جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں, یہ وہ مٹی ہی نہیں رہی جس سے کہ آدم تکمیل کے مکمل مراحل طے کر کے وہ مسلمان بن سکے جس نے آدھی سے زیادہ دنیا پر اپنی سلطنت قائم کی, نظام محمدی, اللہ تعالیٰ کا نظام قرآن رائج کیا. کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں. شان کئی سے مراد ہے کئی, دراصل اس لقب کی طرف اشارہ ہے جو ایران کے عظیم الشان بادشاہوں کو دیا جاتا تھا, جیسے کائکوباد, کائکاؤس, کائی خسرو وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کوئی قابل ہو تو ہم اتنی شان اس کو عطا کرتے ہیں جیسے ایران کے عظیم الشان بادشاہوں نے حاصل کی. ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں, کوئی تلاش کرنے والا ہو تو اس کے لیے نئی دنیا کے رستے کھول دیتے ہیں, اس کے لیے راہیں ہموار کر دیتے ہیں, اس کے لیے ہر معاملہ آسان فرما دیتے ہیں.